हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव वीडियो के ऊपर जिसमें हम शेयर करने वाले हैं रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है। तो डेफिनेटली अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में ऑलरेडी हो या फिर आप आना चाहते हो तो रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक पता होनी चाहिए, जो बेसिक में इस वीडियो में या फिर इस पॉडकास्ट में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है, सबसे पहले उसकी बात करें ना, तो एक ऐसा पर्सन जो बायर को और सेलर को हेल्प करता है, वो प्रॉपर्टी को सेल करने में बायर की और सेलर की मतलब की हेल्प करता है। अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी है तो आप भी एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर कर सकते हो या फिर आप खुद भी बेच सकते हो। अगर आप किसी को हायर करते हो तो आपको उसको कमीशन देना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लो कि प्रॉपर्टी की वर्थ अराउंड 1 करोड़ है तो आपको रियल एस्टेट एजेंट को 2% या फिर 3%, 1-2 लाख आपको उस रियल एस्टेट एजेंट को देना पड़ेगा। तो एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो हेल्प करता है आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तो वो नेगोशिएशन करेगा। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है itlaxbamania.com/gift, तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। मार्केटिंग करेगा, बायर को सारी चीज करवाएगा, उसके साथ कॉल कॉलिंग करेगा, वो बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो बायर खुद करेगा, उसके बाद आपको उसको कमीशन पे करना है। तो अगर आप इंडिया के अंदर रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो तो आपको एज अ रियल एस्टेट का एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली अभी तो इंडिया, पूरे इंडिया में तो नहीं बना हुआ कि आपको एक लाइसेंस चाहिए, बट अगर आप महाराष्ट्र मुंबई से हो तो आपको महारेरा का एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगी जिसका इस्तेमाल करके आप एक खुद की प्रॉपर्टी या फिर जो दूसरों की प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको एक एजेंट बनना है तो ये प्रोसेस है आपके पास। तो अगर आपको खुद को एक रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आपको क्या क्या स्किल सेट सीखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा। दूसरी बात पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से बात करें, किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट हो, किस तरीके से नेगोशिएशन करें, किस तरीके से कोल्ड कॉलिंग करें, कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, साइट विजिट कैसे करवाएं, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें, और रियल एस्टेट की मार्केट नॉलेज और जो डोमेन नॉलेज है, मान लो कि एक इन डेप्थ जो बोले ना कि आखिर में रियल एस्टेट में जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो, उसकी भी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। लोकल जो जहाँ पे आप वर्क करते हो उस लोकल जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस लोकल मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। नेटवर्क बिल्डिंग एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आप वहाँ पे हो तो वहाँ पे जो छोटे मोटे ऐसे प्रोग्राम होते हैं BNI, जैसे कि BNI नेटवर्क हो गया, तो वहाँ पे जाके आप खुद का नेटवर्क बिल्ड करो। अगर आप खुद का नेटवर्क ही वहाँ पे बिल्ड करोगे ना तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे लीड्स मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आपको एक रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आपको ये वाली स्किल सेट सीखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एक रियल एस्टेट एजेंट अर्न करता है। अगर आप भी एक रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो तो ये सारे कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल एजेंट बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर या फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। हे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।